बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं सीख और करो। आज की हमारी वीडियो इस कलाक के हवाले से है। एक भाई का क्वेश्चन था कि इशराक और चाश्त वगैरह का जो वक्त है वो किस तरह हम तय करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करते हैं, फिर इसके जो मेन फीचर हैं, जो सेक्शन मेन है उसमें जाएंगे। ये देखें मुख्तलिफ तरतीब वाला सेक्शन। इसके बाद है नमाज जायज़ा, इसके बाद शहर मुंतखब, उसके बाद जदीद तरतीब, जमात की तरतीब, वक्त की तरतीब, हिजरी की तरतीब। तो इसमें भाई एक बात समझने की है कि सबसे पहले जब भी इस क्लाक आप लेके आए मस्जिद में परचेज करके, तो इसको अपना सिटी का कोड आप लगाएंगे। सिटी कोड कैसे लगाना है वो आप वीडियो देख सकते हैं हमारी सिटी कोड वाली। और कोड क्या है आपका, उस हवाले से इस क्लाक के साथ एक किताब जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और सिटी कोड्स वाली जो हमारी वीडियो है वो भी देख सकते हैं। अभी ये देखें मुख्तलिफ तरतीब में हम इसको खोलेंगे। इशराक का मैं बताने लगा हूँ, इशराक चाश्त वगैरह का टाइम कैसे तय होगा। तो यहाँ सबसे पहले उसने ज़बान पूछी है, ज़बान हमने उर्दू इसको सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने मसलक पूछा है क्लाक ने, तो क्लाक ये हनफी मस्जिद में है तो हनफी मसलक इस पर सेट है। उसके बाद उसने कलर पूछा है, ये देखें आप रेड कलर पे इसका जो है ना वो ऑप्शन है, ये रेड कलर चल रहा है, ठीक हो गया जी। ये इशराक आ गया, तो ये इशराक जो है ना इसका ये जो वक्त है ये हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें हम इसको लेस करना चाहें, ये 9 मिनट, ये 8 मिनट, ये 7 मिनट, ये 6 मिनट, यानी अगर आप चाहें कि इसके अंदर जो आपके शहर के हवाले से कोड के साथ तयशुदा टाइम इसके अंदर फीड है उसमें आप एहतियात के तौर पर जितना वक्त यहाँ चाहें 2, 4, 10, 20 मिनट आप तय कर सकते हैं। तो इसमें हमने 10 जो है ना 10 मिनट वो एहतियात रखी हुई है। नेक्स्ट आए ये देखें कबला जवाल, उसके लिए हमने 5 मिनट का तय रखा हुआ है कि 5 मिनट जवाल से पहले ये बता दे, यहाँ पट्टी चल जाएगी कि अब जवाल का वक्त शुरू हो गया है। ऐसे ये देखें बाजवाल के जवाल का वक्त जब गुजर जाए तो उसके लिए भी ये 5 मिनट का वक्त हमने इसको सेट किया हुआ है ताकि जवाल के वक्त में कोई आदमी नमाज ना पढ़े, यहाँ पट्टी पे चल जाता है, ठीक हो गया जी। एक तो ये थी, ये रफ्तार है कि पट्टी जो है ना ये वाली पट्टी कितनी स्पीड में चले, इसको भी आप अप डाउन ये देखें कर सकते हैं। तो हमने इसको 10 पे रखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट इसमें है मुतहर्रिक, यानी एक है कि आप इसकी जो पट्टी है ऐसे स्लाइड पे चले, और दूसरा है कि चंद सेकंड के लिए ऐसे रुके और फिर दूसरा जो नेक्स्ट है वो आ जाए, यानी एक है चले। तो ये मुतहर्रक पे हमने रखा हुआ है, इसको आप इस पट्टी को रोक भी सकते हैं चंद सेकंड के लिए, वो लफ्ज़ वो वक्त रुक जाए फिर दूसरा बदल जाए। तो ये एक चीज़ थी जो भाई ने पूछी थी कि भाई हम इशराक चाश्त वगैरह का टाइम कैसे तय करेंगे। तो दूसरा एक भाई का सवाल था कि हम अजान किस वक्त देंगे, अजान किस वक्त देंगे। तो उसके लिए भाई ये देखें, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं वो ऊपर बकिया वक्त बराए जमात 13 मिनट रह गए हैं जमात में। तो आज ये देखें मगरब 5:19 पे है, 5:19 पे मगरब है, ये देख सकते हैं आप, और ऊपर वो देखें 5:06 हो गए हैं। तो वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि 13 मिनट बाकी हैं अभी जमात, आज मगरब की जमात, ये देखें जमात के वक्त हैं। और यहाँ जो ये बता रहा है ये हर नमाज के शुरू होने का वक्त बता रहा है। मसलन वो बता रहा है कि भाई तुलू 6:11 पे था आज, ठीक हो गया। ऐसे ही जब ये मगरब का वक्त आ जाएगा ना, मगरब का वक्त शुरू, जैसे ये असर का इंतहाई वक्त अभी बता रहा है कि 5:19 पर असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो साथ ही मगरब की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। तो हम अजान इस तरह देंगे कि हम यहाँ जो इंतहाई वक्त वो बताएगा ना जिस नमाज का भी, उसके बाद हम अजान दे सकते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है 10 मिनट 20 मिनट, घंटा आधा घंटा, वो नमाज के हिसाब से हम अजान अपनी मर्ज़ी से देंगे। ये जो औकात हैं ये जमात के औकात हैं जो हमने अपनी मर्ज़ी से तय किए हैं नमाज का वक्त शुरू होने के बाद। उम्मीद है इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।